श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की अगली कथा राजगढ़ में होने वाली है। यह 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 19 अगस्त से शुरू हो जाएगी, जो कि 23 अगस्त 2023 तक चलने वाली है। कथा पंडाल पर कैसे पहुँचें, कथा पंडाल राजगढ़ शहर से कितना दूर है, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ में कलश यात्रा भी कब है उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। कलश यात्रा कहाँ से शुरू होकर कहाँ पे पूर्ण होगी, इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप अगर यह कथा सुनने आ रहे हैं तो आपको पूरी जानकारी मिल जाए, ताकि आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो बढ़ते हैं, सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि सबसे पहले जो कलश यात्रा होने वाली है वह एक दिन पहले मतलब 18 अगस्त को हो रही है। और हम आपको बता दें इस कथा के जो यजमान हैं आशीष हरिचरण तिवारी जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष भी हैं। अब कलश यात्रा राजगढ़ शहर में होगी, जिसका समय क्या है वह आप समझ लीजिए। कलश यात्रा 18 अगस्त को है। कलश यात्रा राजगढ़ में राजमहल से सुबह शुरू होगी, जो कि दोपहर तक स्टेडियम में जाकर पूर्ण हो जाएगी। समय सुबह का रहेगा, आप सुबह राजमहल में जाकर देख पाएंगे कि कलश यात्रा किस प्रकार से शुरू हो रही है और उसका समापन आप स्टेडियम पर देख पाएंगे। दिनांक आप नोट कर लें, 18 अगस्त की दिनांक है 18 अगस्त 2023 को राजगढ़ में जो तेज शिव महापुराण कथा हो रही है उसकी कलश यात्रा है। अब हम आपको एड्रेस बता दें कि कथा पंडाल का क्या एड्रेस है। कथा स्थल राजगढ़ से ब्यावरा रोड में अजीतगढ़ चौकी ठाणी ढाबे के सामने देवेंद्र जैन जी की जमीन पर हो रही है कथा। आपको आसान भाषा में मैं समझा दूँ, वहाँ पर आपको एक बोर्ड भी दिख रहा होगा जो अभी आपकी स्क्रीन में दिख रहा है कि यहाँ से राजगढ़ 4 किलोमीटर दूर है। मतलब आप राजगढ़ शहर से ब्यावरा की ओर बढ़ेंगे तो आप 4 किलोमीटर ही बढ़ेंगे तो आपको कथा स्थल देखने को मिल जाएगा। ब्यावरा रोड में ही कथा स्थल है। अगर आप ब्यावरा से राजगढ़ आ रहे हैं तो ब्यावरा से कथा स्थल की दूरी 21 किलोमीटर है। अगर आप भोपाल से आना चाहते हैं तो भोपाल से लगभग 140 किलोमीटर है कथा स्थल की दूरी, और इंदौर से आना चाहते हैं तो इंदौर से लगभग 175 किलोमीटर है कथा स्थल की दूरी। इंदौर से आप बाई ट्रेन ब्यावरा तक आ सकते हैं और ब्यावरा से आप बस के माध्यम से आ सकते हैं, जिसमें आपको आधा से पौन घंटा ही लगने वाला है। और अगर आप भोपाल से आना चाहते हैं तो भोपाल से आने के लिए आप भोपाल तक ट्रेन से आ सकते हैं और भोपाल से आपको राजगढ़ बाई बस ही आना पड़ेगा, क्योंकि भोपाल से राजगढ़ के लिए ट्रेन की सुविधा नहीं है। सिर्फ बस ही एक माध्यम है जिसके माध्यम से आप आ सकते हैं या फिर आप स्वयं गाड़ी करके आ सकते हैं, और परिवहन में सिर्फ बस सेवा ही चालू है जिसके माध्यम से भोपाल से राजगढ़ आया जा सकता है। अगर पास के रेलवे स्टेशनों की बात की जाए तो राजगढ़ के पास के रेलवे स्टेशन ब्यावरा है, सारंगपुर है, सुजालपुर है और गुना है। आपके सामने जो वीडियो फुटेज चल रही है वह राजगढ़ के ही कथा पंडाल की है। अब तो पूरा कथा पंडाल बन गया है, क्योंकि यह वीडियो फुटेज हमने 1 से 2 दिन पहले बनाई थी, तो उसमें कार्य आपको प्रगति पे दिख रहा है। पर अभी करेंट मतलब 16 अगस्त को कार्य पूर्ण हो चुका है, कथा पंडाल ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, बस गुरुजी का इंतज़ार है। राजगढ़ सज गया है गुरुजी का स्वागत करने के लिए और तेज शिव महापुराण कथा का श्रवण करने के लिए। कथा पंडाल का जो ग्राउंड है वह बहुत बड़ा है, मतलब लगभग 8 से 10 लाख लोग आराम से आ सकते हैं, और बड़े बड़े 3 डोम भी बनाए गए हैं, आप वीडियो में भी देख सकते हैं। यह मुख्य कथा स्थल का मुख्य डोम है जो कि बीच में है, और बाजू में आपको रोड भी दिख रही है। रोड से इतने पास है, मतलब आपको रोड से सटा हुआ ही कथा पंडाल दिखने वाला है। यह बाजू में दूसरा डोम है और उसके बाजू में भी टेंट लगाए गए हैं, ताकि और अधिक मात्रा में अगर शिव भक्त आते हैं तो उनको बैठने में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। और इसके अलावा भी पार्किंग से संबंधित कई प्रकार की सुविधाएं हैं जो कि आपको इस कथा स्थल के आसपास देखने को मिलने वाली है। मुख्य डोम के साइड में भी एक डोम है और एक ये दूसरा डोम है, मतलब 3 बड़े डोम हैं और आजू बाजू छोटे पंडाल लगाए गए हैं। आराम से 8 से 10 लाख लोग आ सकते हैं, 8 से 10 लाख शिव भक्त इसमें समा सकते हैं। यह कथा मेरे शहर में हो रही है तो मैं इस कथा से जुड़ी छोटी से छोटी बारीक से बारीक जानकारियां आपको ज़रूर दूंगा। रात को कथा पंडाल में क्या हो रहा है और सुबह क्या हो रहा है, दिन में क्या हो रहा है, कथा में क्या हो रहा है, सब जानकारियां आपको चैनल में मिलने वाली हैं। इसलिए आप राजगढ़ की कथा जो तेज शिव महापुराण कथा है उसका पूरा आनंद धर्म की बातें यूट्यूब चैनल पर प्राप्त कर पाएंगे। वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा, और इस कथा से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। आपको यदि कथा सुनने आना है और आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न भी आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे।
वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।